हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, हीरोज फार्मूला। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल दिया है। आज 10.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। देखो क्या दे रखा है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले तो समझ जाओ, बोल रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है। उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल विद साइड ए। साइड का उसने नंबर नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, उसका एरिया निकालना हमें यूजिंग हेरोंस फार्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ठीक है। तो मैं आपको दोनों फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पे तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोंस फार्मूला, फिर दोबारा से कह रहा है कि पैरामीटर इतना दे रखा है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो इसकी ऑल साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो सारी साइड्स क्या हो गई, ए ए, ठीक है। ए उसने हमें दे रखा है, पेरीमीटर भी उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया 180 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत इजी है, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो सम ऑफ ऑल साइड लगाएंगे, पेरीमीटर तो हमें पता है 180 है, और ये ए प्लस ए प्लस ए, तो 180 इक्वल्स टू 3a, और हमें तो साइड मिल जाएगी a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो 3 6 18, तो ये a हमारा निकल गया 60 सेंटीमीटर। तो हमारी साइड निकल गई। वैसे जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कहता है रूट 3/4 ए स्क्वायर, है ना। तो रूट 3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है हमारा 60, तो 60 का स्क्वायर, तो रूट 3/4 इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि स्क्वायर है 2 times, तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, ये हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 6 5 जा 30 और 6 1 जा 6 3 9, ये हमारा एरिया निकल रहा है इससे। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है कि हेरोंस फार्मूले से निकालने को बोल रहा है। अब हम इसमें हेरोंस फार्मूला लगाएंगे। हेरोंस फार्मूला हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू रूट एस एस माइनस ए। मैंने पूरा ही ना अच्छे से डिस्क्राइब किया है जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगर आप उसे देख लोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा, और फिर क्वेश्चन आप खुद से भी कर पाओगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर पेरीमीटर तो दे रखा 180, है ना, और हमें निकालना क्या है, इसमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकाल देती हूँ। सेमी का मतलब हाफ, तो इसको 180 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 90 हो गए, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकल गया। एस क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर, तो वो मैंने निकाल दिया 90, और साइड तो सारी इक्वल हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये मैंने 60 निकाला। तो यहाँ 90 माइनस 60, हर बार ऐसा क्यों लिख रही हूँ, जबकि यहाँ ए बी सी है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए बार बार 60 लिख रही हूँ, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर कर देते हैं। देखो पहला वाला तो हमारा 90 ही रहने वाला है ना, तो 90 × 30 × 30 × 30, ऐसा क्यों लिखा, देखो जब भी हम 90 से 60 को माइनस करेंगे 30 आएगा, इसलिए मैंने 3 बार 30 लिख दिया, ठीक है। देखो इसमें मेन बात है, रूट होने की वजह से बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे ऐसे फैक्टराइज करो कि तुम पेयर में ना नंबर को बाहर ले आ पाओ। देखो कैसे, अगर मैं इसको लिख दूँ 3 × 30, किसको लिखा मैंने, 90 को लिखा 3 × 30, और उसके बाद 3 बार हमारा 30 क्वेश्चन में ऑलरेडी आ रहा है। ऐसा मैंने क्यों करा, देखो समझो, 1 2 पेयर बन गया ये, है ना, ऐसे इसको बना देंगे 1 2, ये भी पेयर बन गया। तो अगर ये पेयर बन रहा है तो यहाँ से एक 30 उठा लूँगी, यहाँ से एक 30 उठा लूँगी, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो मैं ऐसे ही लिखती हूँ तुम्हें समझ आएगा, 30 × 30 क्यों करा, एक
30 यहाँ से ले लिया और एक 30 यहाँ से ले लिया और रूट में रह गया 3, तो 3 3 9 और ये 00 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर भी 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला लगाओ या फिर तुम हेरन्स फॉर्मूला लगाओ, आंसर तो तुम्हारा सेम ही आने वाला है। तो मैंने दोनों से यहाँ पे करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपकी एनसीईआरटी में इसका आंसर सही नहीं दे रखा ये भी मैं बता दूँ।